हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है म्यूजिक ऑफ ध्वनिल एंड बेसिकली आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड दिस गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग टुडे। एंड आज हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, बट हाँ पहले हम जाएंगे एग्जाम देने एंड देन उसके बाद वीकेंडर का फेस्ट हो रहा आज न्यूक्लियर का और लश लता का। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो देयर एंड देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वीकेंडर का एक फर्स्ट टाइम है ये दिल्ली में। हाँ, तो मैं तो अपने बारे में तुम लोगों को बताना ही भूल गया था कि मतलब मेरा नाम क्या है एंड मैं कौन हूँ बेसिकली। सो बेसिकली मेरा जो रियल नेम है मयंक श्रीवास्तव है एंड मेरा आर्टिस्ट नेम जो है वो है म्यूजिक ऑफ ध्वनिल, यू कैन से ध्वनिल म्यूजिक काइंड ऑफ। एंड इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी ध्वनिल म्यूजिक के नाम से ही है। एंड बेसिकली आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर और मैं इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बनाता हूँ विद सम फोक एलिमेंट्स और यू कैन से इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं कुछ फ्यूजन टाइप बनाता हूँ एंड इट्स माई पैशन बेसिकली। अभी अभी BBA कंटिन्यू चल रही है एंड फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, अभी वही देने जा रहा हूँ मैं। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन से कॉलेज में हूँ क्या है एंड उसके बाद फिर हम टेस्ट में चलेंगे। चलो पर अभी उससे पहले तो CNG भरा लेते हैं, CNG भी सबको पता महंगी हो चुकी है क्योंकि माइलेज मेरी गाड़ी देती है नहीं, फिर भी चलो कोई ना। मैं जब निकला था तो धूप निकल रही थी अच्छी खासी, एकदम झुलसा देने वाली धूप थी। जैसे जैसे नोएडा पहुंचा कॉलेज की तरफ, यहाँ पे तो भैया तूफान आ रखा, बारिश हो रखी थी, पीछे जाम लग रखा इतना तगड़ा, एकदम से मौसम ने करवट ले ली है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शो ही कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि बारिश तो तेज हो रही है यहाँ पे। एंड मैंने थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट भी देखा था, वो तो दिखा रहा है कि बस आधे घंटे बारिश होगी उसके बाद फिर से मौसम क्लियर हो जाएगा। फाइनली पेपर तो हो गया, बड़ा वाहियात पेपर हुआ। अभी जस्ट बाहर ही निकला हूँ मैं पेपर देख के एंड अब हम जाएंगे सीधा DLF एवेन्यू साकेत। यहाँ से तो सिर्फ आधा घंटा दिखा रहा है वैसे मैप पे, गाड़ी तक पहुँच रहा हूँ गेट 4 से भाई, तो कॉलेज भी इतना बड़ा है कि क्या बोलूँ। हाँ, मैं जब आया था तो बारिश हो रही थी ना, अब वो भी नहीं हो रही, अब धूप पड़ गई फिर से। तो मैंने अभी टिकट वो रिडीम करा लिया एंड उसने फिर मुझे ये दिया है जैक एंड जोन्स का, पता नहीं क्या है, 1000 rupees का कुछ वाउचर है एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे दे देंगे, क्योंकि मैंने तो नॉर्मल टिकट कराई थी फेस 1 की एंड मैंने यहाँ पे आके वेन्यू देखा था, यहाँ पे कोई भी जनरल या VIP वाला सीन नहीं था जैसे सनबर्न में या VIP सुपरसोनिक हर जगह होता है। यहाँ पे नॉर्मल एक ही ग्राउंड बना रखा स्क्वायर में एंड उसी में सारे सब कुछ इंक्लूडेड है, नो VIP, नो जनरल, सब कुछ एक समान। तो अब देखते हैं 6:30 बजे गेट खुलेंगे, अभी तो बस हमने देखा ही है, खाना खाया अभी थोड़ा सा एंड अभी ये मिला है, बस थोड़ी देर में एंट्री स्टार्ट होगी फिर मैं अंदर लेके जाता हूँ। गर्मी नहीं है, मुझे लगा बहुत गर्मी होगी, इसका मतलब है मेरा लैपटॉप नहीं टूटेगा आज। कैसी है दिल्ली की जनता? यार मैं बहुत दिनों के बाद दिल्ली आया हूँ वापस, पता है मैंने सबसे पहले क्या किया दिल्ली आके? सॉरी, आई एम सपोज टू सेट अप माय कंप्यूटर बट फक इट, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड एज सून एज आई लैंडेड इन दिल्ली इज गो एंड ईट बटर चिकन। Oh,
बस बता रहा हूँ भाई, कम से कम ये मान के चलो कि 2020 जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद मैंने न्यूक्लिया का शो अटेंड करा है। इससे पहले ऋत्विज का करा था सेम एवेन्यू पे ही, DLF एवेन्यू, ये सेलेक्ट सिटी वॉक वाला जो है, एक साथ जो है ये दोनों मॉल, यहीं पे मैंने अटेंड करा था। बट आज न्यूक्लिया का अटेंडिंग हिज फेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, इट्स लाइक अमेजिंग, ठीक है ना। तो मैं उसको एज अ भगवान मानता हूँ अपने, क्योंकि न्यूक्लिया ने एक बार सेट कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे। अब मेजर लेजर के साथ गाना आया है, ट्रैप नेशन पे बंदे का गाना आया है, एंड ऐसा कोई डीजे नहीं होगा जो बेस ट्रैप या बेस म्यूजिक हार्ड को बेस बजाता हो और न्यूक्लिया का ट्रैक प्ले ना किया हो, कभी भी नहीं हो सकता। बाकी तो चलो, आशा करता हूँ भैया तुम्हें अच्छा लगा हो व्लॉग, एंड इतना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लाइफ ऑफ अ प्रोड्यूसर जो टैगलाइन में लेके चल रहा हूँ, लाइफ ऑफ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बेसिकली, ये मान लो कि मैं नॉर्मल हाउस म्यूजिक या नॉर्मल EDM प्रोड्यूसर हूँ जो कोई सा भी जॉनर बना सकता है, कोलैब कर सकता है किसी के साथ भी। और बस वही है, अभी 10 बज चुके हैं रात के, 10:15 के आसपास हो चुका है, एंड ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं इसको गाड़ी में ही खत्म करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं अब जाऊंगा, अपने एक स्टूडियो बनाया मैंने उसका भी टूर दूंगा तुम्हें किसी और दिन। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।